हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष अपने ऐलान के बाद से ही खबरों में छाई हुई है। इस फिल्म को तानाजी द अनसंग वॉरियर के डायरेक्टर ओम राउत बना रहे हैं। ओम राउत ने फिल्म के ऐलान के साथ ही ये खुलासा कर दिया था कि आदि पुरुष में सैफ अली खान और साउथ सुपरस्टार प्रभास की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। जहां प्रभास भगवान राम के किरदार में होंगे, तो वहीं सैफ अली खान रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि सैफ अली खान के किरदार को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए आदि पुरुष के निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो VFX के जरिए सैफ अली खान को 8 फुट का दिखाएंगे। हर किसी के मन में रावण की तस्वीर एक खूंखार और प्रकांड विद्वान के रूप में बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने सैफ अली खान को पर्दे पर बलशाली दिखाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान रावण के किरदार में दिखेंगे। इस किरदार को पर्दे पर दमदार तरीके से पेश करने के लिए मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के मेकर्स VFX वर्क की मदद से सैफ अली खान की लंबाई 8-9 फुट के आसपास पहुंचाएंगे, ताकि दर्शकों को सिनेमा घरों में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिले। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सैफ अली खान ने फिल्म आदि पुरुष के बारे में बात करते हुए बड़ा बयान दे डाला था, जिसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। सैफ अली खान ने कहा था कि वो आदि पुरुष में रावण के किरदार को ज्यादा मानवीय अंदाज में पेश करेंगे। इसके बाद कई लोगों ने सैफ के बयान पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में ये विवाद ठंडा पड़ गया। बताते चले कि फिल्म में राम और रावण के किरदार का खुलासा तो हो गया है, लेकिन फिल्म में सीता और भगवान हनुमान का किरदार कौन निभाएगा, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सीता के रोल के लिए कृति सेनन का नाम सामने आ रहा है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मेकर्स कब तक बाकी की स्टारकास्ट का नाम फाइनल करते हैं। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।